गरीबों की बद्दुआ से कांग्रेस विनाश की ओर, भूपेंद्र सिंह। यह चुनाव गरीब का जीवन स्तर उठाने और राष्ट्र के परम वैभव के लिए है, डॉक्टर लता बानखेड़े। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ डॉक्टर लता बानखेड़े की मालथौन में सभा और जनसंपर्क हुआ। शनिवार को मालथौन में भाजपा का जनसंपर्क तो वही कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला ने खोरई विधानसभा के उजनेट में की नुक्कड़ सभा। कांग्रेस को वोट देना देश के साथ विश्वघात की तरह है। कांग्रेस ने अपने 60 साल के राज में गरीबों की उपेक्षा और शोषण किया है। यही कारण है कि गरीबों की बद्दुआ से कांग्रेस नष्ट हो गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल में देश के गरीबों का जीवन बदल दिया। यह विचार खोदई विधायक भूपेंद्र सिंह ने मालथौन में भाजपा की प्रत्याशी डॉक्टर श्रीमती लता बानखेड़े के समर्थन में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किया। आम सभा को डॉक्टर लता बानखेड़े ने भी संबोधित किया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आज कांग्रेस देश में कहीं दिखाई नहीं देती, कोई कांग्रेस में रहना नहीं चाहता। प्रदेश में 4 लाख कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाजपा में आ चुके हैं। चुनाव में कांग्रेस को बूथ पर बैठाने एजेंट नहीं मिल रहे। कांग्रेसियों को यह नहीं मालूम कि वे क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आगे क्या काम करेंगे। ना उनके पास काम करने का एजेंडा है और ना ही कोई नेता है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह चुनाव भाजपा जीत चुकी है, लेकिन यह रिकॉर्ड बनाने का चुनाव है। खुरई विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर लता बानखेड़े इतने वोटों से जीते हैं कि जो सुने आश्चर्य में पड़ जाए। ऐसा होने से खुरई विधानसभा क्षेत्र में विकास का एक नया युग शुरू होगा। भूपेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि आगामी 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मालथौन आएंगे। उनको सुनने और उनका स्वागत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोग जुटे। वंदे भारत जिला ब्यूरो चीफ पंडित कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। और हम सबको मिलकर पूरी ताकत के साथ रिकॉर्ड वोटों से लता जी को जिताना है भारतीय जनता पार्टी। और लता जी को वोट दे रहे मतलब आप मोदी जी को वोट दे रहे। लता जी को आपका एक एक वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। एक एक वोट, एक एक वोट प्रधानमंत्री बनाएगा मोदी जी। और इसलिए खुरई विधानसभा का ऐसा रिकॉर्ड बनाओ, ऐसा रिकॉर्ड बनाओ कि मोदी जी को भी कहना पड़े कि भैया अब तो कम से कम 80% मतदान सब लोग